आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्नोटेक जीपीएस में। और आज हम अपने एक जीपीएस के बारे में बताने वाले हैं आपको, उसकी कंप्लीट डिटेल, कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी फंक्शनिंग है और क्या क्या हिडन चीज़ें होती हैं जो कस्टमर्स को पता नहीं होती हैं और वो अपने जीपीएस के मतलब के उसका यूज़ जो है वो 100% नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी सिम लेते हैं तो आप 100% यूज़ कर ही नहीं सकते उसको, आपको उसके लिए अपनी प्रीपेड सिम डालनी होगी। ये हमारा जीपीएस है, और भी लोग बेचते हैं मार्केट में इस तरीके के जीपीएस, तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो आप हमारे यहाँ चला सकते हैं, इसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं फिर। और हमारा जीपीएस इस तरीके से ये बॉक्स में आता है, टेक्नोटेक जीपीएस। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहले इसमें जियो का सिम जो है वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 4G नेटवर्क पे चलता है जियो सिम, और आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन जो है आपके 2G, 3G या 4G तीनों नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप इसके अंदर आइडिया, एयरटेल या वोडाफोन कोई सा भी सिम डाल सकते हैं जीपीएस के अंदर। और इस तरफ देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट आ रखा है, ये मैंने अपने फ़ोन से लिया है। आप इस तरीके से कमांड्स भेज सकते हैं और उनका इस तरीके से रिप्लाई आएगा। ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी सारी कमांड मैं आपको यहाँ पर भी एक एक करके समझा दूँगा किस तरीके से वर्क करती हैं ये। सबसे पहले आप इसमें एक सिम डाल लेंगे अपने जीपीएस में, और एक मैसेज का रिचार्ज करा लेंगे इसमें, और एक इंटरनेट का रिचार्ज करा लेंगे, और ये लोकेशन जो देगा, आप जब मूव कराएंगे गाड़ी को तब लोकेशन देगा। आप खड़े खड़े में स्लीप मोड में चला जाता है तो ये लोकेशन नहीं देगा आपको। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लोग मार्केट में हमसे लेके ये बेच रहे हैं, इसके अंदर एक पासवर्ड होता है जीपीएस का पासवर्ड, उसको लॉक कर लेते हैं वो लोग। लॉक इन द सेंस कि आप उसको कहीं और नहीं चला सकते हैं, आप उसके पास एक तरह से फंस जाते हैं आप उसी के सॉफ्टवेयर पर चलाने के लिए। तो कहीं से भी आप बाय करते हैं इसको, किसी से भी बाय करते हैं, तो सबसे पहले कमांड दीजिए PWDSW#। आपका अगर रिप्लाई आता है PWDSW off, तो मतलब जीपीएस के अंदर पासवर्ड नहीं है, तो ये जीपीएस समझ लीजिए बहुत ठीक है। आप कहीं भी इसको रन कर सकते हैं, कोई इस जीपीएस के साथ आप फ्री हैं, आप कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर ये पासवर्ड लॉक है तो उस बंदे से जीपीएस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो चाहता है कि आपको जीपीएस दे के वो आप सर्विसेज आप उसकी लेती रहें, चाहे वो फिर आपसे साल के 1000 रुपये ले या 2000 ले या 3000 रुपये ले, तो सर्विसेज आपको उससे ही लेनी पड़ेंगी। बट हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता है, ना हम लोगों ने आज तक किया कभी। हम किसी को भी पासवर्ड लॉक करके कभी नहीं देते, ना ही तो कभी किसी को पासवर्ड लॉक करते हैं। इसलिए आप जब अननोन बंदे को दें तो अपना सिम नंबर हो सके तो ना दें, क्योंकि वो पासवर्ड लॉक कर देगा, एक कमांड होती है उससे वो पासवर्ड लॉक हो जाता है। वो मैं कमांड आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अपना पासवर्ड लॉक कर लेंगे तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, और सेकंड आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा अगर आपका जीपीएस ऑलरेडी पासवर्ड लॉक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है, उसके अंदर एक फर्मवेयर होता है, एक तरह से कह लीजिए सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग आप हमें कूरियर करेंगे, हम उसके अंदर नया फर्मवेयर डालेंगे, ठीक है, तब आपका जाके ये जीपीएस वर्किंग में आएगा। तो वो लंबा प्रोसीजर है और चार्जेबल भी है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये कमांड देंगे, बिल्कुल डिक्टो लिखना है आपको, server:1:99gpslogin.com:10216:0#। ये देंगे कमांड, इसके बाद रिप्लाई जाएगा ओके। उसके बाद मान लीजिए आपने इसमें एयरटेल का सिम डाला है, सॉरी आइडिया का सिम डाला है, ठीक है। तो आइडिया के लिए जो APN होता है, आइडिया का अगर सिम डाला है अपने जीपीएस में तो आपको कमांड देनी है APN:internet#। अगर आपने एयरटेल का सिम डाला है तो आपने कमांड देनी है APN:airtelgprs.com#। और अगर आपने वोडाफोन डाली है या आइडिया वोडाफोन डाली है तो APN:www#। आपका जीपीएस जो है आपका ऑनलाइन आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ इसके फीचर्स होते हैं, और उन फीचर्स को आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको SOS नंबर सेट करना होगा। और SOS सेट करने के लिए क्या है कमांड आपकी, SOS:A,
अपना नंबर यहाँ पे पुट कर कीजिए और हैश, उसके बाद आ जाएगा, देख लीजिए ये रिप्लाई आएगा आपका, ये SOS है, मैंने अपना नंबर सेट किया है SOS 1, ओके, 2 और 3 अभी ब्लैंक है, तो आप इसमें SOS 3 नंबरों को सेट कर सकते हैं, SOS, A, सेकेंड नंबर करेंगे तो डबल कॉमा देना है, थर्ड नंबर सेट करेंगे तो ट्रिपल कॉमा देना है, तो आपको कम से कम एक SOS नंबर सेट करना ही है इसके अंदर, तभी आप सारे फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है इसकी सेंटर, सेंटर नंबर सेट आपको करना है, सेंटर नंबर आपका कोई परमानेंट नंबर होना चाहिए जो आपने काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रखा हो और आपको उम्मीद हो कि वो नहीं चेंज होगा, और सेंटर नंबर ही आपका एक नंबर एटलीस्ट SOS में, एक नंबर एटलीस्ट SOS में वो सेंटर नंबर होना ही चाहिए, जैसे आपने ABC नंबर दिया SOS में सेट किया, तो सेंटर नंबर एटलीस्ट ABC होना चाहिए, मतलब तीनों जो SOS नंबर आप सेट करेंगे उसमें से ही एक सेंटर नंबर सेट होगा, ऐसा नहीं है कि आप तीन यहाँ पे आपने SOS में सेट कर लिए और एक अलग चौथा नंबर आपने यहाँ सेट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। और सेंटर नंबर जो है आपका काम आता है आपकी गाड़ी के इंजन को ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन ऑफ करने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है इंटरनेट के थ्रू ऑन ऑफ करना, जब हमारी एप्लीकेशन से आप इंटरनेट के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर इंटरनेट के थ्रू ऑन ऑफ नहीं करना चाहते हैं तो SMS के थ्रू भी ऑन ऑफ होता है वो, तो SMS के थ्रू अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आपको सेंटर नंबर सेट करना होगा, इसकी कमांड है Center, A, आपका नंबर और हैश। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सेटिंग्स जो हैं, जो हमने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस हुए या नहीं हुए, ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड भेजेंगे Param, #, ये देख लीजिए, ये Param, #, की कमांड है, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये Param, #, की कमांड है, इसमें क्या है, इसका IMEI नंबर आ गया है, टाइमर SOS आपने जो सेट किया होगा यहाँ पे SOS आ जाएगा लिखा हुआ, सेंटर नंबर जो सेट किया वो सेंटर नंबर आ जाएगा, ये सारी डिटेल आएगी, GPRS @ भेजेंगे, इस तरीके से वो रिसीव करेगा, आपको रिप्लाई करेगा, GPRS ऑन है, ऑफ है, या करंटली APN जो आपने सेट किया था वो, और सर्वर कौन सा सेट किया है वो वाला आपका, और कमांड इस तरीके से आपका रिप्लाई करेगी। तो अब आप सेकंड थिंग आती है, यहाँ पे टाइमर कभी कभी क्या होता है, 10, 30 होता है, 40 होता है, तो ये सेकंड्स होते हैं, मतलब कि टाइमर कॉमा जब गाड़ी आपकी ऑन है तो 10 सेकंड में आपका कमांड देगा, मतलब 10 सेकंड के अंदर लोकेशन देगा आपको सर्वर को जो आपके फ़ोन में दिखाई देगी, और गाड़ी बंद है तो भी 10 सेकंड में, डिफ़ॉल्ट वैसे 10-10 होता है, अगर ये 10-10 है तो आपको ये कमांड भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये कमांड है आपकी टाइमर को चेंज करने की कि आपका जो GPS है सॉफ्टवेयर को डेटा कितनी देर में देगा, 10 सेकंड, मतलब कि जब गाड़ी बंद है तो भी 10 सेकंड पे देगा, मैंने सेटिंग की है, जब गाड़ी चालू होगी तो भी ये 10 सेकंड पे देगा, कमांड है Timer, 10, #, अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी आपकी जब बंद है तो वो लोकेशन एक घंटे में दे, तो सॉरी, अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप गाड़ी बंद हो तो वो थोड़ी देर में दे लोकेशन, तो आप इसको 300 भी सेट कर सकते हैं, 300 मीन्स 5 मिनट्स, और इसको मैक्सिमम जो इसको 1800 सेकंड तक कर सकते हैं हम, इसको 1800 18 सेकंड तक कर सकते हैं, बट मैं इसको 10 सेकंड ही रखता हूँ। अब सेकंड थिंग आती है, कमांड मैं दिखा रहा हूँ आपको, GPRS on, 1 #, मतलब अगर आपने GPRS @ भेजा और यहाँ पे कमांड में आपका रिप्लाई आया GPRS off, मोस्टली ऑन होता है, अगर ऑन है तो आपको ये कमांड भेजने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका GPRS off है तो आप इस कमांड को भेज सकते हैं GPRS on, 1 #, यहाँ पे ये ऑफ़ की जगह ऑन हो जाएगा आपका GPRS, और ये डिफ़ॉल्ट जो है ऑन आता है, कोई ना कोई छेड़खानी करके ही इसको ऑफ़ करता है, वैसे ये ऑफ़ कभी नहीं होता। अब नेक्स्ट कमांड पे आ जाते हैं, Position DW123 Where #, ये सारी कमांडें आपकी रिप्लाई तभी करेंगी जब आपका SOS नंबर सेट होगा, SOS नंबर से ही ये कमांड सारी जाती हैं और उन्हीं को वो रिप्लाई करता है, ऐसा नहीं है कि आपने तीन नंबर सेट किए उनके अलावा किसी को रिप्लाई देगा, वो किसी को रिप्लाई नहीं देगा। तो सबसे पहली कमांड है Position #DW123 Where #, ये देख लीजिए, Position # पे भी आपका लोकेशन देगा, डेट और टाइम, DW पर भी सेम चीज़ वर्क करेगा, 123 पर भी सेम वर्क करेगा, और Where # पर भी ये आपका लैट लॉन्ग देगा, बाकी स्पीड वगैरह आपको Where # पे देगा। और एक कमांड और है, ये देख लीजिए, URL # ये URL # मतलब ये पांचों में लगभग एक ही काम करेगा आपका GPS, कोई सी कमांड आप याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं,
अगर नहीं याद रखते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, आपका लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन जो है गाड़ी की कहीं और है, तो आप इन पोजीशन, इन कमांड्स को भेज के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ये जो आप पोजीशन DW जब आपका सिम होगा ये तभी वर्क करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आपने हमारा सिम डाल लिया और आप इन सबको वर्क करा रहे हैं, ये वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिम होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो आपको SMS का रिप्लाई ही नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा है आपको ये सब फीचर्स का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अच्छे से तो आपको अपना सिम ही डालना पड़ेगा, वरना ये सारे फीचर्स आपके लिए यूज़लेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिले कॉमा वन हैश, रिले का कट ऑफ फ्यूल सप्लाई, मतलब आपके गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाएगा अगर रिले लगा होगा तो, अगर रिले नहीं लगा है तो ऑफ नहीं होगा, सिर्फ कमांड का रिप्लाई कर देगा ओके। और ये सिर्फ एक नंबर से ही SMS लेगा, वो भी नंबर होगा जो आप सेंटर नंबर यहाँ पे सेट करेंगे, उसी नंबर से ये आपको रिप्लाई करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे काम आने वाला नंबर है, ये कहीं काम नहीं आता। रिले कॉमा वन हैश, रिले कॉमा ज़ीरो हैश भेजेंगे दोबारा से तो आपका गाड़ी दोबारा से ऑन हो जाएगी। अब ये सारी कमांड भेजने के बाद आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है या कुछ भी, मतलब आपको लगता है कि मेरा GPS ने ये सब सेटिंग, जैसे हम अपना लैपटॉप में कुछ चेंजेस करते हैं और उसको रीबूट करते हैं, मतलब दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वैसे ऐसा होगा नहीं, मोस्टली ये GPS अपने आप ही सारे फंक्शन ले लेता है और जो भी कमांड देंगे आप उनको एग्जीक्यूट करता है। तो आपको क्या करना है, रीसेट हैश भेजना है GPS के, GPS में जो सिम डाला है उसके ऊपर रीसेट हैश भेजना है। तो डिवाइस विल रीबूट आफ्टर 1 मिनट, एक मिनट में आपका डिवाइस रीबूट हो जाएगा और सारे फीचर जो आपने जो ऑलरेडी सेटिंग की हुई हैं वो भी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर नहीं होंगी तो, वैसे 99% है कि अपने आप हो जाती हैं। अब नेक्स्ट, अब कुछ फीचर ऐसे बताऊंगा मैं, ये बहुत, मतलब ये वीडियो अब यहाँ से तो पूरा ही देखने वाला बनता है। नेक्स्ट फीचर्स जो हैं आपके कुछ ऐसे हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको कि ऐसे फीचर्स भी होते हैं GPS के अंदर, और ये स्पेशली हमारे GPS के अंदर है, इसी के अंदर है, ये हिडन होते हैं आपको। जैसे आपका नेक्स्ट है पावर अलार्म कॉमा ऑन कॉमा 2 कॉमा 5 कॉमा 5 हैश, टर्न ऑन पावर कट ऑफ अलार्म होता है ये। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में से एक्सटर्नल बैटरी का रिमूव करी इसने, क्या कुछ भी, मतलब के वायर कट की, कुछ भी किया आपकी, मतलब उसको एक तरह से ऐसा लगा कि बैटरी निकाली गई है, तो तुरंत आपको अलर्ट करता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है SOS, जो 3 नंबर होते हैं उनके सबके ऊपर SMS जाता है, लेकिन हमें क्या करना, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हम इसको भेजेंगे पावर अलार्म कॉमा 0 मीन्स ऑन कॉमा 2 मीन्स ये 0 1 2 इसकी फॉर्म में होते हैं ये। 0 का मतलब होता है सिर्फ वो इंटरनेट के थ्रू हमें करेगा इंटीमेट, 1 होता है SMS और GPRS के थ्रू करेगा, मतलब SMS भी आएगा हमारे पास, 2 होता है कि इंटरनेट के थ्रू करेगा, SMS के थ्रू करेगा, फ़ोन कॉल के भी थ्रू करेगा, 3 होता है कि वो इंटरनेट और कॉल के थ्रू ही करेगा, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 2 होता है, 2 मतलब के GPRS SMS और फ़ोन कॉल तीनों, तो हम इसको 2 ही रहने देंगे। और ये आपका 5 सेकेंड पे करेगा, और T2 है ये भी 5 सेकेंड पे हमने कर दिया है, इसको डिफ़ॉल्ट 300 सेकेंड होता है तो हमने इसको 5 सेकेंड पे कर दिया है, इसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमांड आती है आपकी वाइब्रेशन अलर्ट, मतलब जैसे मान लिया आपकी गाड़ी खड़ी है और कोई वाइब्रेट कर रहा है, कोई ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है उसका, या कुछ भी जिस किसी भी कारण से आपका कोई एनिमल है वो उससे आपको डिस्टर्ब, आपकी गाड़ी को डिस्टर्ब करना चाहता है, या कोई उसके ऊपर आपकी स्कूटी या बाइक है उसके ऊपर बैठ 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 के हिल रहा है, तो इस कमांड को हम ऑन कर लेंगे। ये कमांड ऑफ होती है GPS के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको ऑन करने का तरीका है, हम कमांड लिखेंगे सिग्नल कॉमा 0 कॉमा 2 हैश, ये सिग्नल एम कॉमा ऑन, मतलब हमने ऑन कर दिया, 2 मतलब के ये देख लीजिए, 2 का मतलब ये है आपका, ये हमें इंटरनेट के थ्रू भी SMS और फ़ोन कॉल तीनों के तरीके से हमें इंटीमेट करेगा, मतलब हमारे पास फ़ोन कॉल भी आएगी, और ये कमांड इसमें हमने भेजी हुई है ऑलरेडी, ये देख लीजिए, ये कमांड है सिग्नल कॉमा ऑन कॉमा 2 हैश, ये हमें रिप्लाई करेगा इस तरीके से ओके। तो ये हमारा हो गया वाइब्रेशन अलर्ट ऑन। और अब हम इसके बाद एक कमांड और भेजेंगे डिफेंस कॉमा 1 हैश, मतलब कि जब भी आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी कहीं पे 10 मिनट से ऊपर,
तो ये अपने आप डिफेंस का स्टेट में चला जाएगा, मतलब कि अब आपने गाड़ी खड़ी कर दी, अब कोई भी कुछ भी छेड़खानी करेगा तो सारे अलर्ट्स आपको देगा वो, जो सारे अलर्ट्स हम जो यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, ऑफ होते हैं या लेट होते हैं, तो हम उनको चेंज कर रहे हैं उनके अंदर। डिफेंस कॉमा वन हैश भेज देंगे हम कमांड, ये ऑन हो जाएगा हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है ये। अब नेक्स्ट कमांड है, हिडन कमांड है, टर्न ऑन डिस्प्लेसमेंट अलार्म, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी खड़ी है और वो टो हो जाती है तो वाइब्रेशन अलार्म भी आएगा आपके पास, और डिस्प्लेसमेंट अगर वो वहाँ से हिलती है, जैसे कोई टो करके ले जा रहा है, तो जैसे ही वो 100 मीटर्स की रेंज से बाहर जाएगा तो आपके पास अलर्ट आएगा। वैसे जितनी मैं कमांड बता रहा हूँ, ज़्यादा छेड़छाड़ करे बिगर ही आप देख के इनको सेट कर सकते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए उसके अंदर। हम लोग हैं अब मूविंग ऑन पर, जैसे आपकी गाड़ी अगर कोई ले जाता है टो वगैरह करके तो आपको अलर्ट आएगा, 100 मीटर के बाहर होता है तो अलर्ट आएगा आपके। हमने सेटिंग कर दी है डिफ़ॉल्ट जो है 300 मीटर से होता है, मतलब काफ़ी दूर जाने के बाद अलर्ट होता है, मिनिमम ही 100 होता है, तो आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। कॉमा टू, टू का मतलब है आपको फ़ोन कॉल के थ्रू भी अलर्ट करेगा ये, और अगर हमें टू की जगह थ्री कर देंगे तो हमें सिर्फ कॉल करेगा, एसएमएस नहीं करेगा। तो हमें अगर आपको एसएमएस से इंटीमेट होना है तो आप थ्री कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप जैसे मैंने टू किया है, मैं एसएमएस से भी चाहता हूँ और फ़ोन कॉल पे भी अलर्ट चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। और ये मूविंग ऑन हमने सेट किया हुआ है, ये मूविंग ऑन कॉमा थ्री हैश। अब नेक्स्ट का आता है ब्लाइंड ALM, मतलब डेड जोन। डेड जोन को वैसे आप डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, इसको सेट मत कीजिए, ऑफ को ऑफ रहने दीजिए, क्योंकि इंडिया के अंदर GPS सिग्नल्स काफ़ी वीक होते हैं बहुत जगह पे, तो बार बार आपका GPS सिग्नल से, जैसे आपने बेसमेंट में ले गए तो आपको तुरंत अलर्ट करेगा कि आपका GPS ने इंटरनेट के थ्रू, मतलब कि GPS ने अपना लिंक छोड़ दिया है, GPS आपका बंद हो चुका है। आपने कहीं शेड के नीचे लगाई, आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, आपने ढाबे पे खाना खाया और शेड के नीचे लगा दी, तो भी आपके पास ये अलर्ट आएगा, तो ये आपको काफ़ी परेशान भी कर सकता है। ये चाहे तो आप लगा सकते हैं, मेरी मानिए तो इसको मत लगाइए, ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट मत कीजिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको कमांड राइट करनी है ब्लाइंड ALM कॉमा ऑन कॉमा 60 मतलब है 60 सेकंड्स, कॉमा 10 मतलब कि ये 10 सेकंड्स, मतलब जो आपका डेड जोन होगा उसमें 10 सेकंड में अगर वो बाहर होती है तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। कॉमा वन का मतलब है SMS और इंटरनेट के थ्रू ही आएगा, इसमें कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है, तो आप ये कमांड भेज सकते हैं। लेकिन एक बार दोबारा क्या बता दूं मैं आपको, इस कमांड को मत भेजिए, और ये कमांड देख लीजिए इस तरीके से हमने भेजी थी, ब्लाइंड कॉमा ऑन कॉमा 60 कॉमा 10 कॉमा 1 हैश, ये इसने रिप्लाई किया ओके, ये सेट हो गया था। अब आते हैं स्पीड चेक, शार्प स्पीड चेंज, ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे हैं या आप खुद हैं या आपकी कोई गाड़ी मांग के ले जाता है, आप हमारी एप्लीकेशन पर उसको नहीं देख पाते हैं या किसी भी कारण से, लेकिन इसमें क्या है आपका, आप ये कमांड भेजेंगे अगर स्पीड चेक कॉमा ऑन कॉमा 1 कॉमा 4 कॉमा 30 कॉमा 50 हैश, तो ये आपको अलर्ट देगा जैसे ही आपकी जो है गाड़ी 30 किलोमीटर पर सेकेंड तक पहुँचेगी, अचानक से 30 किलोमीटर पर पहुँच जाएगी, जैसे 0 से 30 पहुँच गई, तो आपको ये अलर्ट कर देगा कि किसी ने आपको बहुत रेस दिया गाड़ी के अंदर। और जैसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है मान लीजिए गाड़ी, उससे ऊपर चल रही है और एकदम से वो 50 से नीचे आती है या ज़ीरो होती है, ज़ीरो की तरफ आती है, जैसे मतलब शार्प चेंज करे होंगे ना स्पीड के अंदर, वैसे ही आपको अलर्ट करेगा ये। और ये आपका, तो ये कमांड हमें कैसे भेजनी है, स्पीड चेक, ये देख लीजिए, स्पीड चेक कॉमा ऑन कॉमा 1 कॉमा 4 कॉमा 30 कॉमा 50 हैश, ये आपका यहाँ पे सेकंड्स हैं, विद इन 4 सेकंड्स आपको भेज देगा, इसको 1 सेकंड मत करिए, आपको ये बहुत अलर्ट देगा, फिर बार बार अलर्ट देगा, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। नेक्स्ट आता है शार्प टर्न, अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए कहीं शार्प टर्न लेती है तो उसके लिए हमारी कमांड है SWRVE, ये सेम आपको टाइप करनी है, कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो वो आपके कमांड को इग्नोर कर देगा। SWERVE कॉमा ऑन कॉमा 1 कॉमा 30 कॉमा 60 कॉमा 3 हैश, अब इसका मतलब ये है, जैसे ही मान लीजिए आपने, सबसे पहले तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है ये फीचर, अब इसको पहले हम यहाँ पे ऑन करने की कमांड देते हैं, ये ऑन का हो गया, ये 1 है, ये अलार्म टाइप हो गया, मतलब कि आपको ये SMS करेगा, 30
मतलब कि आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री ऐसे कोई गाड़ी टर्न होगी आपकी, मतलब कि हल्का सा भी, हल्का सा नहीं काफ़ी, 30 डिग्री काफ़ी होता है जब एक स्पीड होती है तो 30 डिग्री काफ़ी होता है। 30 डिग्री पे जैसे ही गाड़ी टर्न करेगी, मतलब कि जैसे आपने टर्न लिया, तेज़ स्पीड आपकी टर्न लिया, तो आपको शार्प टर्न का ये अलर्ट दे देगा। और सेकंड थिंग है 60, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर कोई शार्प टर्न लेता है तो आपको अलर्ट देगा, या उससे ऊपर पे, जैसे खड़ी गाड़ी में तो हम बहुत शार्प टर्न ले लेते हैं तो आपको अलर्ट नहीं देगा, 60 से अबव ही आपको अलर्ट देगा, क्योंकि मतलब डेंजर जो है आपका 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ही शार्प टर्न लेने पर होता है, गाड़ी पलटने का डर रहता है या गिरने का डर रहता है, तब हम इसको 60 पर ऑन करेंगे। अगर आप इसको 10 पे ऑन कर देंगे, 10 किलोमीटर पर आवर की, तो आपको 12 अलर्ट देगा, आपको परेशान कर देगा, जो अलर्ट आपके लिए यूजलेस होंगे एक तरह से, क्योंकि 60 से नीचे तो ले ही लेते हैं लोग, इतना नॉर्मल है, 60 से अब ये टर्न जो है खतरनाक हो जाता है, तब ये आपको अलर्ट करेगा शार्प टर्न। और ये कॉमा थ्री सेकेंड्स के अंदर, विद इन 3 सेकेंड। और ये कमांड हमने भेजी थी, ये हम दिखाते हैं, ये SWERVE कॉमा ऑन कॉमा ये इसने रिप्लाई किया था ओके, मतलब ये हमारा सेट हो गया था। और नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी, जैसे मान लीजिए कोई आपको GPS टेम्पर करने की कोशिश करता है या गाड़ी की बैटरी के साथ टेम्पर करने की कोशिश करता है, तो ये आपको तुरंत अलर्ट देगा, रिमूवल अलार्म, टर्न ऑन टेम्पर अलर्ट, मतलब किसी ने छेड़छाड़ की है, टेम्पर अलर्ट किया है, टेम्पर किया करने की कोशिश की, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऑन होता है, बट इसके अंदर कुछ हम सेटिंग्स में छेड़छाड़ करते हैं। चलो अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये सिर्फ इंटरनेट के थ्रू हमें इंटीमेट करता है, और इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं होता हर जगह, तो हमने इसको 2 कर दिया है। 2 का मतलब है, यहाँ पे वैसे 0 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ऑन होता है 0 होता है, बट हमने इसको 2 कर दिया। 2 मतलब कि आपको ये SMS भी करेगा और कॉल भी करेगा, शार्प जब कोई भी आपको टेम्पर करने की कोशिश करेगा GPS के साथ में या गाड़ी के साथ में, तो आपको ये अलर्ट करेगा, SMS के थ्रू भी करेगा और कॉल के थ्रू भी करेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये सिर्फ आपको इंटरनेट के थ्रू बताएगा, जिसका कोई भरोसा नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, ये बाकी सब ऐसा ही रहने दीजिए, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको बताऊंगा तो आप भी परेशान हो जाएंगे, इसको 25.5.1.2 ही रहने दीजिए, इसको बाय डिफ़ॉल्ट, सिर्फ हमने इसके अंदर छेड़छाड़ की है, ये इंटरनेट के थ्रू बताता हमें कमांड, मतलब अलर्ट करता है इंटरनेट के थ्रू, अब हमने क्या कर दिया इसको, ये SMS भी करेगा, हमें कॉल भी करेगा। जैसे आप रात में सो रहे हैं तो आप नेट चल रहा है नहीं चल रहा है या अलर्ट आया नहीं आया, लेकिन जब कॉल आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कॉल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये है एक आपकी कमांड, तो ये सारी कमांडें हमारी पूरी होती हैं, मैंने आपको हिडन चीज़ें बता दी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे के इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो पहली बात तो एक कमांड लेगा नहीं आपसे, अगर गलत कुछ आपने कर दिया तो हो सकता है आप खुद ही परेशान हो जाएं उल्टा। तो मैंने जो बोला है, जो जो चेंजेस करने के लिए आप सिर्फ वही चेंजेस करें तो ज़्यादा बेटर है, डिफ़ॉल्ट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करनी बेकार है, क्योंकि हो सकता है ये GPS आपका माल फंक्शनिंग शुरू कर दे। और इसके अंदर एक कमांड थी आपकी स्टेटस हैश, स्टेटस हैश से आपका ये बताता है GSM सिग्नल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, GPS ऑन है या ऑफ है, ये इस तरीके से बताता है आपका। अब चलते हैं, हमने ये सारा कर लिया, अब हम आपका क्वेश्चन होगा हम इसको ऑनलाइन कैसे देखेंगे, तो ऑनलाइन देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक वेबसाइट खोलनी है, उसके ऊपर हमें क्रिएट अकाउंट करना है, ये 99gpslogin.com खोलना है, इसके ऊपर क्रिएट अकाउंट करना है, क्रिएट अकाउंट करके आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालनी है, जो भी है आपकी मेल आईडी डालनी है, रजिस्टर कर देना है, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा, फिर आपको लॉगिन करना है, आपको वही मेल आईडी यहाँ पे डालनी है, और वो जो कोड होगा वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है पासवर्ड में, इसको फिर कर देना आपको लॉगिन, इस तरीके से आप इसको फिर लॉगिन कर लेंगे, ये आपका लॉगिन हो जाएगा, इसको गूगल स्ट्रीट कर लेंगे यहाँ पर जाके। अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फ़िलहाल, तो हमें क्या करना है, हमें वापस जो है आपका इसी फाइल में जाना है, जब हमने यहाँ पर आपको एक कमांड दी थी GPRS सेट हैश और परम हैश, तो परम हैश में इसने IMEI का रिप्लाई किया था, तो हमें क्या करना है, वही IMEI उठाकर कहाँ पर डालना है, सेम का सेम IMEI कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ये ऐड ऑब्जेक्ट पे जाके ऐड कर देना है। मैंने एक ये IMEI है जैसे मान लीजिए आपको, तो आप इसको यहाँ पर IMEI में पेस्ट कर देंगे, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कुछ भी जो भी आपकी गाड़ी का नाम है, कंप्लीट नाम है तो कंप्लीट दे सकते हैं, या अपना नाम या कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको शो करेगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट
में, मतलब गाड़ी के नाम की जगह आपको वो शो करेगा। जैसे कर लेते हैं इंडिया सेव, यहाँ पे आ गया। अभी आपका जैसे ही आप गाड़ी को मूव करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सबसे पहले लोकेशन और मूवमेंट, मूवमेंट पे लोकेशन देगा। तो आपको क्या करना है, आप गाड़ी को मूव कराना है थोड़ा सा। जैसे ही आप गाड़ी को मूव कराएंगे, यहाँ पे आपकी जो है लोकेशन आ जाएगी। और इसके अंदर भी आपकी इंजन ऑन ऑफ की काफ़ी सारी ओवर स्पीड वगैरह की सेटिंग्स वगैरह होती हैं, देख लीजिए। ये ऑरेंज हो गया है तो मतलब हमारा सब कुछ ठीक हो चुका है। ये जैसे ही मूव होगा यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी। और इसके अंदर भी काफ़ी सेटिंग्स होती हैं, उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है टेक्नोटेक जीपीएस है, इसके अंदर सारी सेटिंग्स वीडियोस में जाके आप सेट सॉफ्टवेयर की सारी सेटिंग्स हमारी इस तरीके से ये देख लीजिए देख सकते हैं। ये पुश नोटिफिकेशन कैसे करनी है, मतलब सब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट एडिट वगैरह कैसे करना है, यहाँ पे सब कुछ बता रखा है। और हर गाड़ी में किस तरीके से आपको जीपीएस लगा सकते हैं, लगाना है, वो सब कुछ मिल जाएगा। मतलब एक तरह से कंप्लीट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से, शायद आपको ज़रूरत ना पड़े बात भी करने की, आप यहीं से देख के सब कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑनलाइन आ जाएगा जीपीएस, आपका लोकेशन दे देगा। आप मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट है आपके पास, मतलब एक और जीपीएस है, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ भी नेम दे लीजिए, दे देते हैं इसको, इसको मान लीजिए दे देते हैं यूएसए, और यहाँ पे उसका आईएमई डाल देंगे हम लोग, सेव कर देंगे। इस तरीके से आपकी दोनों गाड़ियाँ ही जो है आपकी ऑनलाइन आ जाएंगी। इस तरीके से आप कितनी भी गाड़ियाँ ऐड कर सकते हैं। और दोनों की मैंने नाम इंडिया दे दिया, अब यहाँ से हम लोग जाके एडिट भी कर सकते हैं। जैसे इसको लिख देते हैं हम यूएसए, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का पूरा नंबर जो नेम प्लेट है वो दे सकते हैं, ये देख लीजिए यूएसए हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हैं जो कर सकते हैं, जो आप यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखे कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ईमेल के थ्रू भी हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। और हमारा काम ही जीपीएस का है, तो आप हमसे जीपीएस बाय कर सकते हैं, डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी अवेलेबल है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको अच्छा लगा इतनी सारी जानकारी लेकर, तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसके अलावा भी, अगर आपके पास ऑलरेडी जीपीएस है चलाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप पर उसकी इमेज भेज सकते हैं, हम आपको आगे क्या करना है वो बता देंगे, फिर आप अपना जीपीएस हमारी एप्लीकेशन के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। और हमारी एप्लीकेशन है 99 GPS Login, ये हमारी एप्लीकेशन है 99 GPS Login। आप इसको इंस्टॉल करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो है इसमें फिल कर सकते हैं, फिर आपको मैप के ऊपर ये ऑनलाइन चलती हुई दिख जाएगी। और ये जो हमारा जीपीएस है, ये प्रीमियम क्वालिटी का जीपीएस है, इतने सारे फीचर्स सारे जीपीएस में नहीं होते हैं। और ये जीपीएस थोड़ा सा कॉस्टली आता है बाकी जीपीएस, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये पाँच साल की गारंटी के साथ आता है आपके, अगर इस जीपीएस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 5 साल तक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको रिप्लेस करके देंगे। अगर 5 साल तक इसमें कुछ भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हम आपको न्यू डिवाइस देंगे। तो दोस्तों, इतने सारे फीचर्स मार्केट में अवेलेबल है नहीं किसी भी जीपीएस में, जो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोटेक जीपीएस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी दो खासियतें हैं जीपीएस की। पहला तो ये 5 साल की गारंटी के साथ आता है, मतलब बहुत ही भरोसेमंद है, बहुत रिलायबल है। और सेकंड थिंग है इसकी, इस चीज़ की इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, हाँ, ये जो है आपका बाइक की बैटरी को ड्रेन नहीं करता। मतलब कि बाइक की बैटरियाँ क्या है, काफ़ी सारे जीपीएस ख़राब कर देते हैं 2 या 3 महीने में लगने के बाद, और ये प्रॉब्लम बार बार आती है। ये आपकी बैटरी को, बाइक की बैटरी को कभी भी ख़राब नहीं होगा, और उसके उल्टे इस स्लीप मोड में चला जाएगा। और जब भी आपकी बैटरी, जैसे मान लो 3-4 दिन खड़ी है लगातार, और अगर वो लो हो रही है किसी और कारण से लो हो रही है, तो ये आपको अलर्ट करेगा उल्टा। बाकी जीपीएस ना आपको अलर्ट करते हैं, उल्टा बैटरी को चूसते हैं। तो ये आपकी बाइक या कार किसी की बैटरी को बिल्कुल डैमेज नहीं होने देगा। ये जैसे ही आप अपनी गाड़ी बंद करके खड़ी कर देंगे, जो मैंने आपको अलर्ट बताया था, मतलब कि उस तरीके से आपको ये डिफेंस मोड में चला जाएगा। और जब भी आपकी गाड़ी की बैटरी लो होगी, तो ये आपको अलर्ट करेगा कि एक्सटर्नल पावर लो है, इस तरीके से अलर्ट देगा, एसएमएस भी करेगा, कॉल भी करेगा। तो सबसे बड़ा और अच्छा फीचर इस जीपीएस का यही है, इसीलिए हमारे जो प्रीमियम क्लास है जीपीएस की, उसके अंदर है इसको, हमने इसलिए उसके अंदर रखा है। ये हर तरीके से आपकी गाड़ी को बिल्कुल ही सेफ कर देता है, विद इन सेकेंड्स आपको अलर्ट देगा ये हर चीज़ के।